जाते हैं अहमद भाई ने मुझे एक पॉइंट की बात बताई है और मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं इनके ज़बानी आपसे जो है ना सुनना आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अहमद भाई कह रहे हैं कि सुबह सुबह जो लोग आते हैं, क्या आप अपने लफ्ज़ों में बोले अहमद भाई क्या होता है सुबह सुबह? सुबह जो लोग आते हैं ना रात के अंदर, रात के टाइम आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं। जी मतलब कोई लैब गार्ड नहीं होते, ऑटो का चौकीदार भी मौजूद नहीं, घोड़े सब कुछ इधर नहीं होते, कोई भी नहीं होता, रश इतना कम होता है। सही, जब रश होते हैं लोग आ जाते हैं, इसकी वजह से ये लोग डूब जाते हैं क्योंकि मौजूद कोई भी नहीं। अगर किसी को मेरे समझ ना आए मेरी बात, अहमद भाई की बात समझ ना आई, तो मैं इनको लफ्ज़ों में क्लियर कर दूं। मेरी आदत आप लोग बोलते बोलता बहुत हूं। भाई कह रहे हैं, अहमद भाई कह रहे हैं कि सुबह सुबह आते हैं, लाइफ गार्ड नहीं होते हैं, लाइफ गार्ड 9 बजे आते हैं, और 9 बजे आते हैं, हट वाले भी नहीं होते, घोड़े भी नहीं होते, रश भी नहीं होता है, घोड़े वाले भी नहीं होते, उनको भी थोड़ा तैरना आता, थोड़ी हेल्प कर लें आपसे। तो आते साथ लोग पानी में घुसते हैं, तो वो जो पानी में आते साथ जो लोग घुसते हैं ना, तो फिर उनसे निकला नहीं जाता। जैसे ये कुत्ता घुस गया, अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है, पानी इसको पीछे खींच रहा है, लेकिन अब लहर इसको बाहर धक्का देगी, ये अपने आप को ढीला छोड़ेगा तो लहर इसको बाहर निकालेगी, अगर वरना ये इसका निकलना मुश्किल होता है क्या। तो ये इनका कहना है सवेरे सवेरे आके पानी में ना कूदें, दाएं बाएं देखें कोई लाइफ गार्ड मौजूद है, फिर आप पानी में घुसें, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो आपको बचा सके। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, ये बहुत पॉइंट की बात है, ये मैंने दोबारा इसलिए जी दूसरे को तैरना नहीं आता जी, अपने बच्चे के लिए पकड़ने को जाता है ना, वो खुद डूब जाता है। अच्छा, ये कहने का ये है कि आपको तैरना नहीं आता है, आप जब पानी में घुसोगे बच्चे अपने छोटे किसी भाई को या बच्चे को बचाने के लिए, तो आप बिल्कुल भी नहीं बचा सकोगे, बल्कि खुद डूब जाओगे। इसीलिए उसमें आपके पास रस्सी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, या कोई लाइफ गार्ड वाला नहीं है, अगर रस्सी है तो फिर उस किसी को किनारे पे पकड़ा के फिर घुसो तो अलग बात है, अगर नहीं है रस्सी तो फिर आप नहीं घुसो, वरना बच्चा तो बचे या बचे ना बचे अल्लाह जानता है, लेकिन आप फिर पानी में जाओगे, तो इसलिए थोड़े से एहतियात ज़रूर करें। लाइफ जैकेट है, हाँ लाइफ जैकेट है, उसको थोड़ा टाइट करके पहन के फिर चले जाओ पानी के अंदर, चले जाओ डूबोगे नहीं, कोई ना कोई आके निकाल लेगा आपको, बस ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टुकड़ा नज़र आया है, मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मुझे कोई आवाज़ मारता है क्या कहता है, चले मैं आपके साथ शेयरिंग भी करता हूँ। अब मैंने सिर्फ जस्ट बाइक खड़ी करनी है और यहाँ से गुजर के आगे तक जाना है, देखना जंगल है, लेकिन अभी आप सिर्फ देख लेना कि ये क्या कहता है मुझे, 2 मिनट में मैं आता हूँ कि नहीं। हाँ जी, मैं सिर्फ 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ, गाड़ी यहीं खड़ी है, गाड़ी नहीं ले जा रहा हूँ आपको, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे यार। 2 मिनट में मैं गया आया उधर खड़ा करने से, ये 2 मिनट में आ गया सिर्फ किनारा, यहाँ से चले होंगे, ये थोड़ा जगह अच्छी है ना, खूबसूरत है भाई। इसने जो है ना मेरा कैमरा देख लिया है, तो इसने अंदाज़ा कर लिया है कि ये जो है अब यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया हुआ है, और ये हमें वो लोगों के सामने ज़ाहिर कर देगा, तो इसलिए पहले तो मुझे मना कर रहा था कैमरा मेरे हाथ में देख के, तो अब मुझे कह रहा है कि यहाँ से आप ना जाएं और उस तरफ से जाएं, वही अपना जो इनका रास्ता है उससे मुझे छोड़ रहा है, तो उस तरफ मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस खूबसूरत ये रेगिस्तानी इलाके से जाना चाह रहा हूँ, तो इसकी लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ, तो तब उसने मुझे छोड़ा है। तो बहरहाल ये आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग तो पिकनिक पे आए होंगे, तो फिर ये आपसे आपको रास्ता देंगे, बस देंगे कि भाई ये रास्ते से जाएं और हमें गाड़ी की फ़ीस दें, तो आप उनके साथ, बस मैं फिर इसमें आपको मशवरा दूंगा कि आपने यहाँ आकर किसी से बहस नहीं करनी है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, क्यों कि आप लड़ने के लिए नहीं आए हुए, देखें बात समझ रहे हैं, तो कोशिश करें अपनी पिकनिक को ख़राब ना करें, तो यहाँ आएँ तो इनसे आपको मजबूरन इनके साथ टच होके यहाँ आना पड़ेगा, इनकी इजाज़त से आपको आगे आना पड़ेगा। अब यहाँ आके एक बात है कि मैंने बताया कुछ किनारे ऐसे हैं, ये हॉक्स बे मछली चौक, हॉक्स बे द्वार और स्टैंड मछली चौक के बिल्कुल करीब में आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ अब कुछ किनारे ऐसे हैं जहाँ आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट का मतलब रेत का इलाका कम, अब यहाँ हट नहीं बना है, अगर ये हट यहाँ भी बन जाए आगे तक, ये अपनी इमारत इस तरह बना लें, तो फिर ये आपको किनारा बहुत कम मिलेगा, देखें। हाँ, पानी यहाँ भी तेज़ है, अभी तक वो सीधा हिट जो पानी कर रहा है अभी तक मोड़ नहीं आया, हॉक्स बे चौक के बाद मोड़ आता है, आगे चलते जाएंगे तो मोड़ बढ़ता चला जाएगा, तो पता नहीं अब आप लोगों को मेरी वीडियो, आपको कुछ मालूमात और कुछ काम की चीज़ें हासिल इससे हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आज मेरा गडानी जाने का मूड था, बच्चे उठे नहीं और मैं इस तरफ निकल आया, मैंने कहा हफ्ते की जो साथियों ने फरमाइश की कि हफ्ते की वीडियो शेयर करें, तो मैं इस तरफ निकल आया और मैं यहाँ आके वीडियो बना के पानी में घुसा, तो मेरा अपना निकलने का दिल नहीं कर रहा, इतना मज़ा आ रहा है और इतना अच्छा ये पॉइंट है।
अब ये देख लेंगे, मैंने ये पॉइंट खुद पहली दफ़ा देखा, सारी ज़िंदगी मेरी यहाँ गुजर गई लेकिन ये पॉइंट मैं खुद पहली दफ़ा देखा। बहुत बेहतरीन जगह बता रहे हैं। क्या क्या है गुलाब भाई, कैसी है जगह? मैन भाई को मैंने किनारे से यहाँ तक लिफ्ट दी है, तो ये बता रहे हैं कि बहुत बेहतरीन जगह है, आप यहाँ आए। लाइफ गार्ड की भी जरूरत नहीं, लाइफ गार्ड की भी जरूरत नहीं, आप सब लाइफ गार्ड है यहाँ। बच्चे भी लाइफ गार्ड है और खुद भी आप थोड़ा सा ध्यान से खड़े हो जाए तो बहुत सुकून जगह है। आपकी मेहरबानी, ठीक है, अल्लाह। क्या करेगा फिर? पानी के अंदर भी नजर नहीं आएगा ना, पानी बहुत धुंधला है। हाँ चल अभी घुस, मैं पानी बनाता हूँ तेरा। चलो घुसो घुसो, मैं नहीं तेरे को देता, तू घुसो। अभी तेरा वीडियो डालूंगा, अच्छा यूट्यूब में तुम डैब लगाया तुमने। हट है ना, दो कमरों का है। ये देखें, ये आप देख लें इसका, अगर मिसाल के तौर पे हफ्ते इतवार को आए हैं, ये बेड भी लगा हुआ है, सही है, वॉशरूम भी है और पंखे भी लगे हुए हैं। ये पंखा भी चल रहा है, सोलर पे है ना पंखा? हाँ सोलर पे ही पंखा। वॉशरूम वाशरूम पानी मीठा मिलेगा इसका। जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको झोंपड़ियाँ वगैरह भी मिल जाएंगी, ये छोटी छोटी, और ये कम किराए पर आपको दे देंगे। और यहाँ पर भी आप यानी बेहतर तरीके से यहाँ पर आप आ सकते हैं, आपके लिए बहुत सहूलत मंद। ये सब हट्स यहाँ किनारे में बने हुए हैं, लग रहा है ये गोट है, आबादी है, यहाँ अंदर नहीं जाना है, लेकिन मैंने बताया कि आप यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं, झगड़ने के लिए नहीं आए। कोई रोके तो उससे रुक जाएं और उससे बातचीत करें, मोहब्बत से बातचीत करें, वो आपको फुल गाइड करेगा और आपको रास्ता बताएगा। आप समझेंगे गोट है, गोट से अंदर रास्ता आने का बताएगा। आप अंदर आएँगे, ये गाड़ी आई हुई है, फैमिली आई हुई है। ये जामिया मस्जिद कुव्वत इस्लाम है और यहाँ से आगे दो रास्ते निकलते हैं, इसे वाई चौक भी कहते हैं माड़ीपुर का। और सीधे हाथ पे जब हम हल्का सा टर्न लेंगे तो ये हॉक्स बे बीच की तरफ रास्ता जाता है, और उल्टे हाथ की तरफ जब हम निकलने की कोशिश करेंगे तो ये मनोड़ा और कक्का विलेज सेंसपीट की तरफ रास्ता जाता है। अब जहन में ये है कि जब हमने हॉक्स बे जाना है तो सीधे हाथ की तरफ ही जाना पड़ेगा तो हॉक्स बे पहुँचेंगे, नहीं, जब हम मनोड़ा की तरफ जाएँगे तो कक्का विलेज के पास, सेंसपीड के पास एक चौक आएगा जहाँ मछली चौक भी से कहा जा रहा है आजकल, वहाँ से सीधे हाथ समुद्र के किनारे किनारे भी ये रास्ता भी जो है तमाम हट्स को टच करता हुआ हॉक्स बे मछली चौक पे जाके निकलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दोनों रास्ते आपके साथ शेयर करूँगा और समुंदर के किनारे के बाद ऐसे पॉइंट मुख्तलिफ पॉइंट दिखाऊँगा जहाँ से आप चॉइस कर सकेंगे कि हम कहाँ पर जाकर रुकें और हमें कौन सा किनारा मिले जहाँ पर हमें रतीला इलाका ज़्यादा मिले। तो जहाँ पर हट किनारे में हो, समुंदर के किनारे पर, वहाँ पर काफ़ी पिकनिक मनाने में परेशानी होती है और ख़तरा भी होता है। तो आज मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों को लेकर इस जगह पर आएँ, वो जगह ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब हमने ये सेंसपीड की तरफ नहीं जाना बल्कि हमारा रास्ता जो है आज हॉक्स बे की तरफ निकल रहा है, हम हॉक्स बे वाले रास्ते में जा रहे हैं। तो अब ये रोड हमने डबल रोड मछली चौक आने तक सीधा सीधा ये रोड हमने पकड़ना है। ये साइकिल का स्टैचू भी यहाँ लगा हुआ है मेन, और यहाँ से अब हमने मछली चौक तक सीधा डबल रोड है, ये डबल रोड। इस डबल रोड पे बड़े बड़े खंभे भी लगे हुए हैं, सीधा हॉक्स बे तक हम इसी रोड पर चलते चले जाएंगे। ये हम हॉक्स बे मछली चौक, हम लोग साइकिल चौक से, वाई चौक से साइकिल जहाँ बनी हुई है वहाँ से बारो बार सीधे हाथ की तरफ जब हमने टर्न किया तो वहाँ से हम ये गोदाम का सारा एरिया क्रॉस करते हुए ये हम हॉक्स बे मछली चौक द्वार रेस्टोरेंट में हम पहुँच गए। एक रास्ता अब ये सीधे हाथ की तरफ मुड़ रहा है, एक रास्ता उल्टे हाथ की तरफ मुड़ रहा है, ये रास्ता सेंसपीड की तरफ जा रहा है और सेंसपीड की तरफ यहाँ आते हैं, ये द्वार रेस्टोरेंट पर पहुँच गए और ये मछली चौक, यहाँ से सीधे हाथ पे हम जाएंगे आगे अब्दुलरहमान गोट और फ्रेंच बीच में पहुँचेंगे। अब यहाँ पर सारा हटों की लहने हैं और वही सिलसिला है, बाज़ जगहों से रास्ते हैं जाने के, बाज़ जगहों से इनकी पार्किंग के थ्रू जाएंगे, बाज़ जगहों से आप हट के थ्रू जाएंगे। ये द्वार रेस्टोरेंट एक यहाँ पर है, एक ट्रक अड्डा, पुराना ट्रक अड्डा मौजूद है। तो अब यहाँ से जो है आगे हम आपको साथ शेयर करते हैं। अब हमने हॉक्स बे जाने के लिए दूसरा रास्ता भी इस्तेमाल करना है, तो ये यहाँ पर आपने टूल लेकर सेंस स्पीड की तरफ पहले पहुँचेंगे आप। हॉक्स बे जाते हुए
जो दूसरा रास्ता हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये वही सेंस स्पीड वाला रास्ता है, पहले भी वीडियो में आपने देखा है। इसमें ये पुल भी आपने मेरी वीडियो में देखे हैं, ये पुल रास्ते में आएंगे। जो दूसरा रास्ता ये सेंस स्पीड तक जाएगा मछली चौक तक। नहीं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था और इस वीडियो में भी जिक्र कर दूं ताकि जो मेरी वीडियो नए साथी देख रहे हैं उनके इलम में ये बात आ सके कि ये उल्टे हाथ पे जो रास्ता जा रहा है ये मनोड़ा की तरफ जा रहा है और ये चौक से मैं सीधे हाथ की तरफ, ये मनोड़ा की तरफ से जा रहा है, मैं चौक से सीधे हाथ की तरफ जब मुड़ूँगा तो ये रास्ता हॉक्स बे की तरफ जा रहा है। ये कक्का विलेज के अंदर से होता हुआ ये रास्ता जो है हॉक्स बे की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात आपको बताता चलूँ कि जब आप छुट्टी वाले दिन इस रास्ते में आएंगे तो उसमें एक मसला है, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। इस रास्ते से जब हम हॉक्स बे जाएंगे इसमें मसाइल हैं थोड़े से, वो मसाइल आप सुन लें। इसमें एक मसला तो ये है कि इसका रोड अभी फ़िलहाल साफ़ सुथरा बना हुआ नहीं है। दूसरा मसला इसमें यह है कि यहाँ पर छुट्टी वाले दिन बहुत रश हो जाता है और रोड के दाएँ बाएँ किनारों पर, इस किनारों पर और इस किनारों पर बहुत गाड़ियाँ बसें, जिस तरह आपको सामने कोस्टर खड़ी नज़र आ रही है इस तरह की बसें कोस्टरें वगैरह बहुत यहाँ खड़ी हुई नज़र आती हैं और कारें मुड़ रही होती हैं, रश होता है काफ़ी। तो इस रास्ते पर वो लोग आएँ जो यहाँ पर किसी पॉइंट पर रुकना चाहते हों। अगर जो हॉक्स बे से आगे फ्रेंच बीच, हॉक्स बे और कहीं वहाँ पर किसी हटों में और किसी बीच में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आने वाले डायरेक्ट बाईपास से, जो मैं अपनी वीडियो में शुरू में दिखा चुका हूँ कि मछली चौक में हम आकर फिर दोबारा हॉक्स बे मछली चौक द्वार रेस्टोरेंट में आकर हम फिर एक जगह पे हो जाएंगे। तो चले यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ समुद्र का किनारा कैसा है। यहाँ जो मेन पॉइंट की बात है, यहाँ हट यहाँ पर है और यहाँ से समुंदर फुल चढ़ने के बावजूद, समुंदर अपने हाइट हाइट पे भी होगा उसके बावजूद भी आपको समुंदर का किनारा बहुत वाफर मकदार में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एहतियात करना है, गहराई की तरफ नहीं जाना है जून जुलाई और अगस्त के दिनों में, क्योंकि पानी यहाँ बहुत तेज़ है और यहाँ आगे खड्डा बनता है, वो मेरी वीडियो में आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप जो रेत का किनारा मांगते हैं उसमें आपको यहाँ पर अगर दूर तक आपको नज़र आ रहा है तो आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, बहुत स्पेस मिलेगा, रेत मिलेगी, यहाँ बच्चे खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तकरीबन साइंस पीट चौक मछली चौक से 1.5 किलोमीटर के फासले पर मैंने आपको एक बीच दिखाया है, हट दिखाया। आगे भी चल के मैं मुख्तलिफ पॉइंट पर रुकूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, देखते रहिए मेरी वीडियो। जो प्राइवेट हट बुक नहीं करते हैं और ऐसे अपने मदद के अपनी मदद आपके तहत यहाँ आते हैं तो उनके लिए भी ये साइटों पर जगह पूरी बनी हुई है और यहाँ आप अपनी गाड़ियाँ पार्क करके अंदर जा सकते हैं। तो चले मैं आपको करेंगे। तो यहाँ पर लोग होते हैं जो थोड़े बहुत पैसे लेके आपसे ये जो है आपकी गाड़ी की हिफाजत करते हैं। अब ये हम हॉक्स बे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और रास्ते में आपको मैंने दूसरी पॉइंट पे रुका हूँ, तकरीबन इसी तरह के पॉइंट हैं, हट है और रेत है। लेकिन बाज़ जगहों पे जो है आप उतरने से पहले ये देख लें कि आपको स्पेस कहाँ ज़्यादा मिल सकता है, आपने अपनी फैमिलीज को कहाँ पे उतारना है, आप लोगों ने कहाँ रुकना है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रुक जाएं जहाँ पर आपको समुंदर और इस हटों के दरमियान फासला कम मिले तो आपको वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा, आपकी फैमिलीज़ को मज़ा नहीं आएगा कि बच्चों को खेलने का कूदने का। और इसलिए आप जो है कोई ऐसा पॉइंट ढूंढें जहाँ आपको स्पेस ज़्यादा मिले। जैसे ये देखें यहाँ से वो हट दूर है और ये रेत रेत है, इस तरह उस तरफ आगे की तरफ बढ़े तो कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे। पहले आप सारे उतरे नहीं, गाड़ी को खड़े नहीं करें वहाँ जाकर, आप मज़ा ख़राब करने से बेहतर है कि जब आप यहाँ पर पहुँचें तो पहुँचने से पहले कोई एक बंदा जाके चेक कर ले कि भाई किनारा कैसा है, यहाँ पर हमें क्या पोजीशन मिल रही है, ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं है, खड्ढा तो नहीं है। तो अब ये मैंने जो मेन बात आपको बतानी है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे हॉक्स बे की तरफ तो मेरी वीडियो में आखिर तक देखें, आपको ज़रूर पता चलेगा कि जी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये जो लहरें आप देख रहे हैं पीछे ख़तरनाक लहरें थी और यहाँ पर थोड़ी सी कम होती जाएंगी और खड्डे कम होते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सेफ़ होता जाएगा समुंदर। तो यहाँ आपको हट भी हर किस्म के मिल जाएंगे, हटों में आला और VIP हट भी मिलेंगे और आम से सादे हट भी मिलेंगे, कितना खर्च कर सकता है उसके मुताबिक भी आपको हट मिलेंगे। तो
अभी 9:00 है और सुबह 8 बजे का टाइम है, अभी रश नहीं है यहाँ पर, तो आज पता नहीं लोग आते हैं नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने आज का दिन चॉइस किया, वरना यहाँ गाड़ी चलाना बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हॉक्स बे की तरफ ये निकलता जा रहा रास्ता, यहाँ पर एक टूल पड़ेगा, यहाँ ये वो टूल नाता है। मैंने जो अपनी वीडियो में बताया कि कुछ एरियों को ये लोग अमीर लोग घेर के बैठे हैं, कुछ एरिया को गरीब लोग घेर के बैठे हुए हैं, जो ये देख रहे हैं झोंपड़ी लगा के बैठे हुए हैं, अगर आप ये झोंपड़ी को यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये बाबा है तो ये अगर यहाँ पर कुछ नहीं है क्या है, लेकिन ये आप रेत से भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेगा कि वहाँ से जाओ, ये जगह नहीं है यहाँ पर। तो ये सारा मतलब कहने का कि ये बड़ा बड़ा कब्ज़ा जो किया हुआ है, ये एक माफिया है जिसने मतलब कहने का कि पूरा एरिया कब्ज़ा किया हुआ है। चले हट के किनारे तो आपके पास हैं, लेकिन हट के किनारों से जो आप बहुत ज़्यादा आगे तक आ रहे हैं, ये जगह घेरी हुई है, लोगों का रास्ता बंद किया हुआ है। हम चल रहे हैं सेंसपीड मछली चौक से हॉक्स बे मछली चौक की तरफ सफ़र कर रहे हैं, और ये किनारों पे हटों की लाइन और सीधे हाथ पे मंगरोल के जंगल हैं सारे, और यहाँ पर इस जंगल में यहाँ पर पॉइंट बने हैं जहाँ पर कछुओं की रिहाइशी नस्ल भी की जाती है। कहीं से भी घुसने की कोशिश करें आपको नहीं छोड़ेंगे। नो पार्किंग, ये हट भी लिखाया हुआ है कि नो पार्किंग, यहाँ पर पार्किंग ना करें। तो नो पार्किंग भाई क्यों, तुम्हारा एरिया कौन सा है जहाँ पे तुम्हारा हट का थोड़ा सा तुम्हें वो टुकड़ा दिया गया है बनाने के लिए। देखे ना, ये हट का रास्ता है, अब हट के रास्ते तो उनके हो गए, लेकिन अब यहाँ से जो बीच दोनों हटों के दरमियान जो रास्ता है ये है जिस पे इन लोगों ने ब्लॉकिंग की हुई है, ठीक है जी। तो कोई आप यहाँ से भी झाड़ियाँ लगाई हुई है कि हट के हटों के दरमियान से हट आपने घेरे हुए हैं, सही है, हट की सीध से आपका रास्ता जा रहा है, लेकिन हट के ये दाएँ तरफ से तो आप जा सकते हैं वहाँ पर नहीं, ये भी इन्होंने ये लगा के इस रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है कि यहाँ से आप नहीं जा सकते। तो ये जंगल में झाड़ियाँ लगाई हुई हैं, यहाँ से आपको गुजरने नहीं देंगे, अगर आप गुजरने की कोशिश भी करेंगे रिस्क लेके तो ये आपके लिए आप भाग कर आगे आएंगे, भाई यहाँ से अलाउ नहीं आपका जाना, ठीक है। ये जंगल यहाँ तक आगे मज़ीद लगाए जा रहे हैं, और इसको भी कोई सिंध गवर्नमेंट इसको भी ये प्लाटिंग के सूरत में घेरने की चक्करों में पड़ी हुई है, ये लगा दी यहाँ पर भी, ये भी बड़ी जंग है लैंड माफिया। तो ये हट्स देखें काफ़ी दूर पड़ जाते हैं, मैंने पिछली कुछ दिन पहले वीडियो डाली है उसमें आपको बताया कि अब यहाँ पर आपको इस साइड पे पार्किंग की कोई जगह नहीं मिलेगी, हट वाले ही यहाँ पर जो है पार्किंग का निज़ाम बनाया है उन्होंने, आपको यहीं गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ेंगी, वो कुछ पैसे लेंगे और आपको आगे की तरफ जाने देंगे, बल्कि इससे आपकी गाड़ी भी, मैंने खुद भी सोचा कि इससे आपकी गाड़ी भी सेफ़ रहती है, आप मुतमिन होकर गाड़ी उनके हवाले करके आप चले जाते हैं, वो आपकी गाड़ी की हिफाजत भी करते हैं और आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं, उनका रोज़गार भी चल जाता है और आपकी गाड़ी की हिफाजत भी रहती है, आपको फिक्र भी नहीं रहेगी। तो ये अब हम मछली चौक हॉक्स बे के करीब पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ भी मैं कोई खाली जगह देखकर अंदर जाकर आपके साथ यहाँ समुद्र का किनारा भी शेयर करता हूँ, और इसके बाद आगे हॉक्स बे का भी किनारा शेयर करता हूँ आपके साथ। अब हम हॉक्स बे मछली चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, और रास्ते में जो हट की आपकी पोजीशन बता रहा हूँ वो यही है, साइड में आपको दाएं सारा पार्किंग है, यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करके कोई रास्ता आपको बताएंगे ये लोग जो पार्किंग वाले हैं कि यहाँ से गुजर जाएं, तो वहाँ से गुजर के आप समुद्र के किनारे जा सकेंगे, इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप समुद्र के किनारे नहीं जा सकेंगे। तो ये मछली चौक पहुँचिए आप, ये हम द्वार रेस्टोरेंट मछली चौक पहुँच गए, यहाँ ये आप मछली चौक हॉक्स बे द्वार रेस्टोरेंट, यहाँ पर आप किनारे पर खड़ी करके यहाँ से रास्ते हैं जो जा सकते हैं, मैं आपको द्वार रेस्टोरेंट पे खड़ा करके गाड़ी को यहाँ से समुद्र का किनारा आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या है। यहाँ आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, मेन मसला ये है, यहाँ पार्किंग पे लगा लेंगे अगर मोटरसाइकिल बाइक, थोड़ी सी रश हो जाएगा तो ये जगह बुक हो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, और इस द्वार रेस्टोरेंट से हम यहाँ पर बिल्कुल सामने समुद्र के किनारे आए हैं, यहाँ पर भी आपको रेत का इलाका मिलेगा, रेत आपको ज़्यादा मिलेगी, ये खूबसूरत पॉइंट है। तो यहाँ बाज़ जगहों पे हट हैं, बाज़ जगहों पे ज़्यादा जगहों पे कम जगह पे हट की वो किनारे तक पानी के अंदर हट गया हुआ है, ज़्यादा हट दूर है और उसकी वजह से आपको बहुत ही प्यारा स्पेस मिल जाता है। कहाँ से हम यहाँ अंदर जा सकते हैं, कोई है जगह यहाँ पर अंदर जाने के लिए, मैंने समुद्र किनारे जाना है, वो पीछे से ढूंढता आ रहा हूँ, जहाँ भी ब्रेक लगाता हूँ
बंदा कह रहा है नहीं जाना अंदर, कहाँ से हम जा सकते हैं, कोई है रास्ता हैं? किनारे पे जाने का रास्ता नहीं है? नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये हट, तो ये हट का रास्ता तो ये है ना, ये ला, तो ये दो हटों के दरमियान से ये सारा मतलब बंद किया हुआ है, कोई बंदा समुद्र यहाँ नहीं जाना चाहे गरीब आदमी, तो कहाँ से जाए, ताकि गाइड कर दो, ताकि वो हम तरीकाकार हम बता दें अपने उसमें। नहीं नहीं बंद है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ इस तरफ आते हुए समुंदर तो सेफ है, लेकिन यहाँ इन हट वालों के और इनकी पार्किंग वालों के तावन के बगैर आप समुंदर के किनारे नहीं जा सकेंगे, तो इनके साथ आपने तावन उनसे लेना है, इनके साथ तावन करना है, तभी आपको छोड़ेंगे, आपको मशवरा देंगे। अगर आप इनके साथ झगड़ना शुरू कर देंगे तो आप अपनी पिकनिक भी ख़राब करेंगे और सही मशवरा भी नहीं देंगे, ठीक है। माड़ीपुर के इलाके का जो पहले पुलिस स्टेशन था वो माड़ीपुर के इलाके में ही था, लेकिन अब वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये हॉक्स बे मच्छी चौक से थोड़ा सा आगे है ये इलाका, तो यहाँ पर ही शिफ्ट हो गया है माड़ीपुर पुलिस स्टेशन। जिला नासर बरोई होटल, मशहूर नासर बरोई होटल है ये, यहाँ से सीधे हाथ की तरफ जब हम टर्न करते हैं तो मुबारक विलेज की तरफ जाते हैं ये, और सुनहरा की तरफ, और हम सीधे जाएँगे तो हम अब्दुलरहमान गोट फ्रेंच बीच और सुमार गोट वगैरह और ये पावर प्लांट की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। ये सुमार गोट का रास्ता है जो साथी जाते हैं या शिकार के लिए सर्दियों में, तो ये सुमार गोट का रास्ता है। यहाँ से जो हॉक्स बे से अब्दुलरहमान गोट से भी जाते हैं ये कश्तियाँ, और सुमार गोट से भी जाती हैं, ये सुमार गोट है। जब आप आने वाले दिनों में सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शिकार के लिए आएंगे तो ये सुमार गोट है, सुमार गोट का ये बोर्ड है, और यहाँ से आपने लांच बुक करनी है तो जो शिकारी साथी हैं वो शिकारी साथी यहाँ से आकर लांच बुक कर सकते हैं, यहाँ से आपको लांचें मिलेंगी। जो लांच है हट के लिए फैमिली के साथ तो यहाँ पर मिल जाते हैं किराए पर, कम अज़ कम भी जो गुजारे लायक हट है जिसमें पानी भी मिल जाए, पानी तो बाजू वाला कितना ऐसा कराया होगा, कम से कम 15-16 हज़ार रुपया। तो ये जो प्राइवेट है किसी का अपना मलकियत में, ये इसका घर है, ये मालिक का घर है, ठीक है। ये सात इधर हट है, हाँ इसका है। सही है, तो मतलब 15 इससे कम पे भी है, आगे भी हट है ना, हफ्ता एतवार महंगा होता है, हफ्ता एतवार महंगा होता है, आम दिन में आप इनके साथ बातचीत करेंगे तो आपको कम पे मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बस ये मैं मालूमात फराम कर रहा था। ये लिखा हुआ है हट फॉर रेंट फैमिली हट, तो ये गोट में आप अंदर घुसेंगे तो जा सकते हैं आप, आपको अंदर तो गुजारे लायक हट मिल जाएगा लाजमी। अस्सलाम वालेकुम, ये गोट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी हट आपको फैमिली हट मिल जाएंगे, आप इनसे परमिशन लेके यहाँ पे भी हट हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये इनसे पूछ सकते हैं, ये हट है, ये हट है, ये सब हट हैं, यहाँ पर आकर आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ शेयरिंग कर लेता हूँ, ये क्या तरीका कार है। यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जैसे ये भी है, ये हट भी मिल जाएगा आपको, ये भी मिल जाएगा, ये भी एक हट है। यहाँ पे मैं कोई मिल जाए तो आपके साथ मैं शेयरिंग करता हूँ कि कोई है कि नहीं है। हाँ, ये अब्दुलरहमान गोट है, पहले आएंगे हॉक्स बे से तो जहाँ मैं आपको लांचे खड़ी थी वो सुमार गोट है, और जब आप आगे की तरफ आएंगे तो ये अब्दुलरहमान गोट का किनारा है, ये सारा मैंने बताया ना अब्दुलरहमान गोट का किनारा है, ठीक है। तो भाई आपने कहा था मालूमात दें, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी मालूमात दे सकूँ। तो देखें ये सात वाला हट है, ये बता रहा है अस्सलामुअलैकुम कि ये आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, वो सामने देख रहे हैं, ये 15-16 हज़ार रुपये में ये हट मिल जाएगा आपको। सीधे हाथ पे अब्दुलरहमान गोट और उल्टे हाथ पे सुमार गोट, इसको आपने क्रॉस किया, ये इस गोट की आखिरी जंप है, इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो फैमिली हट भी यहाँ पर मौजूद है अंदर की तरफ,
और यहाँ पर भी ये बोर्ड लगा हुआ है फैमिली हट का, ये छोटे मोटे हट आपको मिल जाएंगे किराए पे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे जो कम खर्चे पे यहाँ आना चाहते हैं तो ये हट उनके लिए। अब इसके अलावा जो है मैं आपको फ्रेंच बीच के हट दिखाऊंगा, वहाँ तो आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट है जहाँ आप पिकनिक कर सकते हैं। ये देखें जी अब्दुलरहमान गोड फैमिली बीच, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, ये छोटा सा एक लगाया हुआ है, ये देख लें। यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ आप मुड़ेंगे तो ये खाली ग्राउंड मिलेगा, यहाँ लड़के क्रिकेट भी खेल रहे हैं। यहाँ से क्रॉस करते हुए आप जो है वहाँ छोटा से झोंपड़ी लगा के बैठे हैं, वहाँ से आपसे कुछ पार्किंग के पैसे भी लेंगे, उनको पार्किंग के पैसे देकर आपने आगे की तरफ जाना है समुंदर की तरफ। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा पॉइंट है, मैं कहूँगा कि यहाँ अपनी फैमिली के साथ आएँ, तो यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, यहाँ पार्किंग करके बैठेंगे, उनको पैसे भी आप दें ताकि आपकी गाड़ी वहाँ आसानी से पार्क हो सके। बहुत खूबसूरत यहाँ का समुंदर है, यहाँ पत्थर भी आपको मिलेंगे और रेत का किनारा भी मिलेगा और लहरें भी नहीं मिलेंगी आपको ज़्यादा बड़ी। तो ये साथियों ने पूछा कि मुझे हमें पॉइंट बताएँ, तो पार्किंग का भी इंतज़ाम होगा यहाँ पर, आपको गाड़ी भी सामने नज़र आएगी आप किनारे पर ही, तो उसकी मिसाल आप ये देख लें, ये गाड़ी भी खड़ी की हुई है, झोंपड़ियाँ भी बनाई हुई हैं इन्होंने यहाँ पर, आप अपनी पैसे देकर यहाँ पर झोंपड़ियों में आप जा सकते हैं। तो ये किनारा भी नज़र आ रहा है समुंदर का, गाड़ी भी आपकी नज़र आ रही है, और इसमें लहरें नहीं है ज़्यादा, आप पानी के अंदर तक जा सकते हैं, ख़तरनाक नहीं है, खींचे का नहीं, यहाँ पत्थर है। यहाँ पत्थर हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, ये किनारा देखते जाएं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लहरें भी नहीं हैं, अंदर तक फैमिलीज गई हुई हैं। देख लें अब ये पॉइंट देख लें, अब ये देखें ये पत्थरों पे तो नहीं नहाएं, वो जैसे वो रेत का इलाका है वहाँ पे, वो रेत के इलाके में आप नहा सकते हैं, और इससे आगे की तरफ भी मैं जाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो है ये इन पत्थरों की वजह से लहरें यहाँ नहीं बन रही हैं, यहाँ लहरें देखिए नहीं है ख़तरनाक। जब आप आना चाहें तो इस इलाकों में आएंगे तो आपके इसके किनारों में गोट के अंदर से घुस के भी अगर किसी से यहाँ से मशवरा करके अंदर की तरफ आएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह मिलेगी, और मैं आपको वहाँ भी गोट के अंदर भी लेके चलता हूँ। अच्छी तो ये अच्छा, अभी ये मैं नीचे मैंने बूट पहने हुए हैं, यहाँ पत्थर है। अच्छा ये यहाँ पर पत्थर हैं, पाँव काटने वाले पत्थर तो नहीं है यहाँ पर? अचानक लग जाता है, नज़र नहीं आ रहा, नीचे पत्थर हैं। अच्छे, तो यहाँ पर अगर कोई ये मतलब चप्पल या बूट वगैरह पहने ताकि पाँव ना कटे ना, हाँ, लेकिन वहाँ पर भी जो है वहाँ पर भी पत्थर हैं या सिर्फ यहाँ पर हैं? ये पत्थर का इलाका है, वहाँ नहीं है, आगे नहीं है ना, आगे नहीं है, आगे निकलेगा समंदर के फिर पत्थर है, फिर आगे वो आगे तक पत्थर है। अच्छा यहाँ के पानी कैसा है, ये पानी खींचता तो नहीं है? ज़्यादा खींचने वाला नहीं है, ये लहर को क्रॉस करो खींचने वाले, यहाँ थोड़ा खींच रहे हैं, ये पत्थर बने हैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ा पानी खींच रहा है, ये लहर से आगे क्रॉस करें उस सफ़ेद हट से आगे जाएं तो वो जो लड़का नज़र आ रहा है पीला हट नज़र आ रहा है वहाँ से आगे लाइफ गार्ड लड़का वहाँ मौजूद है तो अमन वालों का, और ये जो है यहाँ पर थोड़े पत्थर हैं, लगने का भी खतरा है, लेकिन इस तरफ भी पुरसकून है, गहरा है, तो इसलिए आप अब्दुलरहमान गोड के इस एरिया में आएंगे, पुरसकून एरिया है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ख़तरा नहीं है इनको, हाँ फैमिली के बच्चे हैं, और इनको मतलब इनको आपको डर नहीं है कि खींचेगा पानी, क्योंकि पानी पुरसकून है, सेफ्टी के लिए खड़े हैं, आप सेफ्टी के लिए खड़े हैं, फिर भी हालांकि यहाँ पानी पुरसकून है लेकिन ये भाई सेफ्टी के लिए खड़े हैं यहाँ पर, अपने बच्चों की अपने बच्चों को लाए हुए। तो कहने का ये है कि जब आप सेंस स्पीड से मंडोड़ा की तरफ जाएंगे तो पानी खतरनाक से खतरनाक होता जाएगा, और जब सेंस स्पीड से हॉक्स बे की तरफ आएंगे और हॉक्स बे को क्रॉस करेंगे तो इस तरफ आते जाएंगे वो पानी थोड़ा बेहतर होता जाएगा। फिर भी आप आकर मुकामी बंदे से, ये मुकामी भाई हैं यहाँ के, और ये इनसे मालूमात लाजमी लें, मैंने आपने मुझे कहा शेयर करें तो मैंने अपनी शेयरिंग आज आपके साथ अपनी ये शेयरिंग कर देता हूँ कि आप लोग कहते हैं मैं अपनी शक्ल नहीं देता हूँ, शक्ल से क्या करना है, मेरी बातों से आप फ़ायदा उठाएँ जो मैं आपको मालूमात फराहम करता हूँ। तो आप यहीं रहते हैं मेरे भाई? क्या नाम है आपका? अहमद भाई, अब्दुलरहमान गोड़ पर रहते हैं। तो मैंने देखिए खुद भी मैं आता रहता हूँ यहाँ, मेरी दिन से मालूमात ले रहा हूँ, तो हमारा बचपन इन इलाकों में गुजर गया, लेकिन फिर भी मुझे बात बातों का नहीं पता होता, इनसे पूछता हूँ मैं, मेरा नेवी से भी ताल्लुक रह चुका है लेकिन फिर भी मैं इनसे पूछता हूँ, तो ये मालूमात ले लिया करें तो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, अल्लाह खुश रखे।
तो ये इस गोट की आखिरी जंप है, इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो अब इसके अलावा जो है मैं आपको फ्रेंच बीच की हट दिखाऊंगा, वहाँ तो आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट है जहाँ आप पिकनिक कर सकते हैं। ये देखें जी अब्दुलरहमान गोट फैमिली बीच, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, ये छोटा सा एक लगाया हुआ है, ये देख लें। यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ आप मुड़ेंगे तो ये खाली ग्राउंड मिलेगा, यहाँ लड़के क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं। यहाँ से क्रॉस करते हुए आप जो है वहाँ छोटा से झोंपड़ी लगा के बैठे हैं, वहाँ से आपसे कुछ पार्किंग के पैसे भी लेंगे, उनको पार्किंग के पैसे देकर आपने आगे की तरफ जाना है समुंदर की तरफ। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा पॉइंट है, मैं कहूँगा कि यहाँ अपनी फैमिली के साथ आएँ, तो यहाँ अपनी फैमिली के साथ आएँगे, यहाँ पार्किंग करके बैठेंगे, उनको पैसे भी आप दें ताकि आपकी गाड़ी वहाँ आसानी से पार्क हो सके। बहुत खूबसूरत यहाँ का समुंदर है, यहाँ पत्थर भी आपको मिलेंगे और रेत का किनारा भी मिलेगा और लहरें भी नहीं मिलेंगी आपको ज़्यादा बड़ी। तो ये साथियों ने पूछा कि मुझे हमें पॉइंट बताएं, तो पार्किंग का भी इंतज़ाम होगा यहाँ पर, आपको गाड़ी भी सामने नज़र आएगी आप किनारे पर ही, तो उसकी मिसाल आप ये देख लें, ये गाड़ी भी खड़ी की हुई है, झोंपड़ियाँ भी बनाई हुई हैं इन्होंने यहाँ पर, आप अपनी पैसे दे कर यहाँ पर झोंपड़ियों में आप जा सकते हैं। तो ये किनारा भी नज़र आ रहा है समुंदर का, गाड़ी भी आपकी नज़र आ रही है, और इसमें लहरें नहीं है ज़्यादा, आप पानी के अंदर तक जा सकते हैं, ख़तरनाक नहीं है, खींचेगा नहीं, यहाँ पत्थर है। यहाँ पत्थर हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, ये किनारा देखते जाएं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लहरें भी नहीं हैं, अंदर तक फैमिलीज गई हुई हैं। देख लें अब ये पॉइंट, देख लें अब ये, देखें ये पत्थरों पे तो नहीं नहाएं, वो जैसे वो रेत का इलाका है वहाँ पे, वो रेत के इलाके में आप नहा सकते हैं। और इससे आगे की तरफ भी मैं जाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो है ये इन पत्थरों की वजह से लहरें यहाँ नहीं बन रही हैं, यहाँ लहरें देखिए नहीं हैं ख़तरनाक। जब आप आना चाहें तो इस इलाकों में आएंगे तो आपके इसके किनारों में गोट के अंदर से घुस के भी अगर किसी से यहाँ से मशवरा करके अंदर की तरफ आएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह मिलेगी, और मैं आपको वहाँ भी गोट के अंदर भी लेके चलता हूँ। अब ये यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आपके साथ शेयरिंग से मकसद है कि ये काफ़ी एरिया है, और मैं वापस भी जाऊँगा गोट की तरफ भी जाऊँगा। ये देखिए लहरें आपको दूर नज़र आ रही, यहाँ भी देख लेंगे, बाइक भी मैं अपने ऊपर चढ़ा लेता हूँ बिल्कुल। ये देखिए यहाँ लहर नहीं है, पानी चढ़ा हुआ है लेकिन लहर नहीं है, ये लहर आपके लिए खेल खतरनाक नहीं है, आगे तक आप जाएंगे तो पानी में, आप गहराई तक आप चले जाएंगे तो आपके पेट पेट तक पानी आएगा। बस ये इलाका जो आगे है यहाँ आप नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये फ्रेंच बीच है, फ्रेंच बीच में इजाज़त नहीं है, ये यहाँ के मालिकान जो हैं इस मुल्क से बाहर हैं और बहुत करोड़ों अरबों के मालिक हैं, और ये जो है ना आप इसको लाख रुपये भी दें जी मुझे हट दो तो वो नहीं देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टुकड़ा आपके पास है जो फैमिली की पिकनिक के लिए, और वो हट से पहले पहले आपको ये वाल लगाई होगी, इन्होंने रस्सी लगाई होगी, वहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। तो ये मैंने उस दिन भी वीडियो अपनी शेयर की, उसमें भी बताया किनारे पे बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ से आप अंदर हट में दस्तियाब हैं किराए के लिए ना, तो वहाँ से किसी से भी घाट के करना चौकीदार से मशवरा करके जी मुझे हट कहाँ मिल जाएगा, थोड़ा कम किराए पे हो कम किराए पे, ऐसी बात बारगेनिंग करते करते आप किसी अच्छी पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, जाके वहाँ हट वाले से बात करें, हट वाले से फाइनल करने से पहले उसको बोले मुझे समुंदर का किनारा दिखाओ, उससे समुंदर का किनारा जाके देखें, अगर इस तरह का पुरसकून खूबसूरत किनारा है जहाँ आपके बच्चे खेल सकें, जहाँ लहरें ज़्यादा नहीं हैं, खड्डे ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर वहाँ जाकर आप जो है अंदर चले जाएँ और वहाँ अपने बच्चों के साथ हट बुक करके आप पिकनिक कर सकते हैं। अब वो देखिए लहरें, वो पत्थर जो हैं, लोग जो नज़र आ रहे हैं वहाँ से उस तरफ लहरें हैं, वो आगे तक लहर बनी हुई है, लहरों का रुख अब आपको समझ मेरी बात आनी चाहिए कि हम जब वहाँ से थे तो हमारा वो रुख यूँ है, हमारी सड़क वहाँ जाके वो यहाँ पर यूँ हो जाती है, यूँ हम यूँ घूमे 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 ये अंदर आ गए हैं बिल्कुल। तो समुंदर की लहरों का रुख ये है ये, और हम अब खड़े हैं इस रुख पे, तो यहाँ पे लहरें नहीं बन रही हैं, ये पॉइंट की ये मेन बात है कि यहाँ समुंदर की लहरों का रुख यूँ है, वहाँ पत्थर की लहर गई हुई है, वो लहरें तोड़ रही है, लहरें बड़ी वो वहाँ तक हैं, वो दूर, और वहाँ से आगे लहरें इस तरफ नहीं बन रही हैं।
और ये समुंदर हॉक्स बे का मछली चौक से आप आगे आए हैं तो सुमार गोड जहाँ से शुरू होता है वहाँ से आगे आगे सुमार गोड के बाद ये समुंदर फ्रेंच बीच तक सेफ समुंदर है। साथियों ने मशवरा मांगा था, मैंने मशवरा दिया, ये वीडियो इसीलिए बनाई है। पार्किंग का इंतज़ाम भी है, पार्किंग के बारे में पूछा था, बड़ी गाड़ियाँ बसें कोस्टरें अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, खुली जगह है। ये झोंपड़ियाँ भी छोटी मोटी किराए पर दे देंगे आपको, 1,000, 2,000, 500 में भी दे देंगे। आज के दिन में भी आप आएँ तो 500 में भी मिल जाएगी और 2,000 रुपये भी मिल जाएगी। जब रश होगा तो फिर इनकी भी बेचारों की जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि इनका भी यही होता है, हफ्ते में 2 दिन होते हैं, बाकी दिन तो ये खाली पड़े होते हैं। तो 2 दिन में अगर आप आके सदका खैरात समझ के दे दें ना, तो वो इनके ऊपर लगता है, गरीब लोग हैं और इनका इस इन दिनों में मछली का सीज़न भी बंद होता है, बहुत पोजिशन की डाउन होती है, रोज़गार इसी सिलसिले से चलता है इनका। तो बस बात तो बहुत लंबी हो गई, वीडियो बहुत लंबी हो गई, अब मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त है, बहुत शुक्रिया मेरी जिन्होंने प्यारे भाइयों ने वीडियो मेरी आखिर तक देखी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। और अब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।